been pretty young and you know it has that young feeling to it. Or they would want ki aur better ho aur 2 se number 1 pe aa jaye maybe. फूड पे जाने का चेंज ही ये है कि हमारी स्टोरी जो है वो थोड़ी सी बदलने वाली है. स्टोरी लेवल पे काफ़ी चेंजेस होंगे विच आई एम होपिंग दैट यू गाइस विल लाइक. ओके, सबसे पहले तो फूड पे क्या खुश हैं, एक्साइटेड हैं एंड फूड पे हमेशा से अच्छा चलता आया और अच्छा चलता रहेगा इंशाल्लाह. एंड वी जस्ट वेरी हैप्पी दैट अभी फूड पे जाएगा तो और अच्छी रेटिंग्स आएगी और फूड पे 9 नंबर पर हो जाएगा. वेल आई एम प्रीटी पॉजिटिव कि वूड पे जा रहा है बिकॉज हमारी जो ऑडियंस थी वो वूड पे हमेशा से स्ट्रॉन्ग थी और हमारी जो स्टोरी भी रही है दैट्स यू नो बीन प्रीटी यंग एंड यू नो इट हैज़ दैट यंग फीलिंग टू इट. तो आई जस्ट होप कि वूड पे जाने के बाद हमारी जो ऑडियंस पहले से जुड़ी हुई है उसके साथ साथ और भी ऑडियंस जुड़े एंड दे लाइक इट. ओके, यार वोट पे हमेशा से टीआरपी अच्छी थी हमारी, ऐसा ही है एंड वन ऑफ द रीजंस कि हम शायद वोट पे जा रहे हैं, वोट पे जा रहे हैं इज बिकॉज़ वोट पे अच्छा चल रहा है और दे वुड वांट कि और बेटर हो और 2 से नंबर 1 पे आ जाए मे बी. सो वी जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड कि 1 पे कब आता है, जब आएगा तो पता लग ही जाएगा. ओके, ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन सबको आपकी और जो जोड़ी है बहुत ज्यादा पसंद है, सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑडियंस? We just glad and thank you to everybody. कि आपको जोड़ी पसंद है, chemistry पसंद है and we'll give you the same love that you guys have showered on us. Okay, तो बहुत प्यारा है, क्या कुछ change देखने मिलेगा, कितना thriller और ज़्यादा बढ़ जाएगा? Well, I guess फूड पे जाने का चेंज ही ये है कि हमारी स्टोरी जो है वो थोड़ी सी बदलने वाली है, वरना आई गेस हम पहले जितनी मेहनत कर रहे थे उतनी ही मेहनत करेंगे, ना तो कम मेहनत करेंगे कि हमारी फूड पे चला गया है यू नो समथिंग लाइक दैट. स्टोरी लेवल पे काफ़ी चेंजेस होंगे विच आई एम होपिंग दैट यू गाइस विल लाइक. क्या था क्वेश्चन? यार मैं हाँ वही चाहता हूँ कि ऑडियंस को हमें इतना ही प्यार दे जितना पहले से देते आए हैं एंड उससे एक्चुअली ज़्यादा ही दे, 1-2-3-2-4%. और हम लोग भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, सो थैंक यू फॉर ऑल द लव. ये बोला ना अभी. यही दैट आपने इतना प्यार हमें दिया है 8 महीने की जर्नी बहुत खूबसूरत रही है, वो आप लोगों की वजह से रही है. तो हमारी आने वाली जर्नी के लिए वी नीड योर लव एंड वी नीड योर ब्लेसिंग, सो यार प्लीज स्टे विद अस ऑलवेज. हाय, दिस इज ज़ेन. हाय, दिस इज रीम शेख. वाचिंग अस ऑन Zoom.